मार्केट का असेंबल सेट है और लिखा है सैमसंग। प्रॉब्लम क्या है, जब इसको हम चलाते हैं तो इसकी बैक लाइट कुछ सेकंड के लिए ऑन हो रही थी और उसके बाद बंद हो जा रही थी। यहाँ पे जो इन्वर्टर की वोल्टेज है वो 68-70 वोल्ट के करीब बनती है और फिर डाउन हो जाती है। तो बैक लाइट का फॉल्ट महसूस हो रहा था शुरू में, तो उसके बाद मैंने ये इसकी तीनों बैक लाइट भी चेंज कर दी। इसकी बैक लाइट बंद हो जाती है और इसकी जो ये आईसी है बैक लाइट की और ये जो यहाँ पे मोसफेट लगा है, ना तो ये हीट हो रहा ना आईसी हीट हो रही, फिर भी इन्वर्टर काम करना बंद कर देता है। चेक करते हैं एक बारी। इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड टॉपिक पर अब मेरी वीडियो अपलोड होती रहेंगी। अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में, आपको अच्छी लगती है ऐसी वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। ये इंडिकेटर जल रहा है, ये मैंने स्विच ऑन किया है इसका, और ये देखो ये बैक लाइट जल गई इसकी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये बैक लाइट पहले जो कुछ सेकंड जल के बंद हो जा रही थी, तो इसकी तीनों बैक लाइट चेंज कर दी, लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि 2-3 मिनट बाद फिर ये सेट इसका इन्वर्टर ऑफ हो जाता है, और जबकि ये जो आईसी वगैरह हैं इसकी, ये ड्राइवर आईसी है या फिर ये जो मोसफेट लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला ये नॉर्मल है, कोई हीट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इसको लगभग अभी चलते हुए 1-2 मिनट के करीब तो हो ही चुका है, ये देखो ये ऑफ हो गया है दोबारा से। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो मैं क्या करता हूँ इसमें, देखो अगर ये मोसफेट खराब होता तो भी ये बैकलाइट नहीं चलती, आईसी खराब होती तो भी वर्क नहीं। होता क्या है, जब हमारी हीट होती है तो कोई भी रेजिस्टेंस इसकी नज़दीक की लगी हुई है, कोई भी अपना वर्क काम करना छोड़ देती है। कारण ये है कि हीट होने के बाद वो अपनी जगह छोड़ चुकी होती है रेजिस्टेंस, और वो ड्राई सोल्डिंग आप कह सकते हो इसको। इस फॉल्ट को सोल्व करने के लिए क्या करना है, अपनी जो हॉट गन है मैं उसको रेडी करता हूँ और ये इसको मैं टेम्परेचर मैंने किया हुआ है, ऑटोमेटिक है तो 40 के करीब किया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको इसको, ये देखो। और इसको मैं सिर्फ ये हॉट करता हूँ इसको, और कोई भी रेजिस्टेंस अगर लूज होगी या सर्किट में काम करने लग जाएगी, अगर कोई भी रेजिस्टेंस ड्राई सोल्डिंग हुई तो वो सोल्डिंग दोबारा से हो जाएगी, और उसके बाद हम सर्किट ठंडा होने का वेट करेंगे। जैसे आईसी काफ़ी गर्म है तो लाइट में नहीं लगाना है आपको, थोड़ी देर बाद जैसे ही सर्किट ठंडा हो जाए पावर ऑन का बटन दबा दिया तो आ गया है सैमसंग लिखा हुआ। ये तो पहले भी आता ही था, अभी देखते हैं इसको। तो 15-20-30 मिनट हो चुके हैं सेट को ऑन हुए और सेट ठीक चल रहा है, लगभग आधा घंटे करीब हो चुका है और अब सेट ठीक चल रहा है, ओके है, प्रॉब्लम नहीं आई है वो वाली। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।